वचन चैप्टर हॉलीडे के पहले मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आज मैं आपको फिर से रिवीजन करूंगी। चैप्टर नंबर 7 वचन, ऑल ऑफ यू ओपन ग्रामर हिंदी व्याकरण, ओके। वचन यानी कि इंग्लिश में हम उसे कहते हैं नंबर। वचन, वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक या अधिक का पता चले उसे वचन कहते हैं। तो वचन किसे कहते हैं? जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया था पहले, वचन क्या किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या यानी कि एक या अधिक का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे इंग्लिश में हम वन एंड मैनी कहते हैं, ठीक है, तो उसी तरह हिंदी में उसे वचन कहते हैं, नंबर। चंदा मामा एक है, ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं चंदा मामा कितने हैं? चंदा मामा सिर्फ एक है। और तारे, लेकिन तारे कितने हैं? वो है अनेक, तारे हैं अनेक, एक और अनेक। फूल एक है लेकिन बगीचे में कितने हैं? अनेक, ठीक है, फूल एक है लेकिन बगीचे में अनेक हैं, ओके। तो इसी को कहते हैं वचन, जिस शब्द से हमें उसकी संख्या एक या अधिक का पता चले उसे वचन कहते हैं, ठीक है। राजदी, वचन किसे कहते हैं बताओ? शब्द के जिस रूप से संख्या एक या अधिक का पता चलता है उसे वचन कहलाता है। एग्जाम्पल, चंदा मामा एक है लेकिन तारे है। फूल एक है लेकिन बगीचे में अनेक है। वेरी गुड राजी, ओके, थैंक यू मैम, वेलकम। अर्विका बताओ वचन किसे कहते हैं? Don't raise hand children, don't raise hand. पता चले उसे वचन कहते हैं। एग्जांपल, जान मामा एक है लेकिन तारे अनेक है। फूल एक है लेकिन बगीचे में अनेक है। ओके, वेरी गुड। बताओ आइरीन, चंदा, वेरी गुड आइरीन, बताओ उनकी संख्या एक या अधिक का पता चले उसे वचन कहते हैं। चंदा मामा एक है लेकिन तारे अनेक है। वेरी गुड आइरीन, वेरी गुड। बना भैया बताओ वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक या अधिक का पता चले उसे वचन कहते हैं। लाइक एग्जांपल, चंदा मामा एक है लेकिन तारे अनेक है। फूल एक है लेकिन बगीचे में अनेक है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। नौसी, ध्यान पूर्वक देखिए और समझिए। यहाँ पर क्या है? ऊपर दिए गए चित्रों में कुछ चित्र संख्या में एक है तथा कुछ एक से अधिक है, इन्हें अलग अलग लिखिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? कुछ चित्र, ये दिस आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, नो चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू हैव कंप्लीटेड आई होप दिस वन। इन द लास्ट क्लास आई टोल्ड यू टू राइट दिस वन, तो सब ने किया है ये। ऑल ऑफ यू से टूगेदर, ओके, सब ने किया था, मुझे याद है। बताओ एक संख्या वाले चित्र में क्या क्या होगा? ऑल ऑफ यू से टुगेदर, एक संख्या वाले चित्र में क्या क्या आते हैं? पुस्तक, पौधा, माता, कन्या, मेज, गाड़ी, गमला, मछली,
एक से अधिक क्या चित्र आता है? मछली, केला, चित्र कान है ना, और बॉल। ओके ओके चिल्ड्रन, नाउ ऑल ऑफ यू लोअर योर हैंड, एवरीवन लोअर योर हैंड, लोअर योर हैंड, एवरीवन लोअर योर हैंड। नाउ सी, टर्न द पेज ऑल ऑफ यू। वचन के कितने प्रकार हैं? वचन के यानी कि काइंड्स ऑफ द नंबर। वचन के दो प्रकार होते हैं, यानी कि एक वचन जिसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं और दूसरा है बहुवचन जिसको हम प्लूरल नंबर कहते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि का बोध होता है वह एक वचन कहलाता है। जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ एक केला है, ठीक है, लड़की, एक लड़की, एक कुत्ता, एक शीशी आदि, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? एक वचन। शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि का बोध होता है वह एक वचन कहलाता है। अब हम बहुवचन किसे कहते हैं? बहुवचन यानी कि इंग्लिश में हमसे कहते हैं प्लूरल नंबर। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं आदि का बोध होता है वह बहुवचन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर पहले हमने देखा था सिर्फ एक कुत्ता, एक शीशी, एक लड़की, एक केला, तो ये क्या थे? एक वचन। अब हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ कितने हैं? चार कुत्ते हैं, चार शीशी हैं, चार तीन लड़कियां हैं और कुछ केले हैं, ठीक है, अधिक केले हैं। तो हम जैसे क्या कहेंगे इसे? केले। जब ज्यादा होता है तो उसे कहते हैं केले। ज्यादा केला होगा तो केले कहेंगे, ज्यादा लड़की होगी तो लड़कियां, ज्यादा कुत्ता है तो कुत्ते, ज्यादा शीशी है तो शीशियां, ठीक है। नौ पढ़िए और समझिए। वचन से संज्ञा और क्रिया दोनों के रूप बदलते हैं। वचन से क्या होता है? संज्ञा और क्रिया दोनों के रूप बदलते हैं। ऑल ऑफ यू लोअर योर हैंड। आशा, यस। सो वचन से संज्ञा और क्रिया दोनों के रूप बदलते हैं। जैसे बकरी चर रही है, तो यहाँ पर एक ही बकरी है और तो हम क्या कहेंगे? बकरी चर रही है। यहाँ पर क्या है? तीन बकरी है, तो क्या कहेंगे? बकरियां चर रही है। तो यहाँ वचन से संज्ञा और क्रिया दोनों के रूप बदलते हैं। कभी कभी बहुवचन में संज्ञा का रूप नहीं बदलता। तो कभी कभी क्या होता है? बहुवचन में संज्ञा का रूप नहीं बदलता। जैसे आम, आम मीठा है, हम कहते हैं एक ही आम है मगर आम मीठा है। यहाँ पर भी हम आम कहेंगे, आम मीठे हैं, ठीक है, जब ज्यादा आम है तो आम मीठे हैं। तो कभी कभी यहाँ पर बहुवचन में यहाँ जो संज्ञा है यानी कि नाउन, नाउन है आम, तो वो उसका रूप नहीं बदलता, आम आम ही रहता है, ठीक है। जैसे आम मीठा है, आम मीठे हैं। कबूतर दाना चुग रहा है, कबूतर दाना चुग रहे हैं। एक कबूतर है तो वो दाना चुग रहा है और ज्यादा कबूतर है तो दाना चुग रहे हैं, खाली रहे हैं बदला है, लेकिन संज्ञा वैसा का वैसा ही है, वो संज्ञा नहीं बदलता, ठीक है। हम जिसका आदर करते हैं उनके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं यानी कि किसी की आदर करते हैं तो तब बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि माता जी आ रही हैं, ठीक है, क्या कहते हैं हम? माता जी आ रही हैं, पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है। तो हम कभी जब किसी का आदर करते हैं तो उनके लिए क्या करते हैं? हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। नाउ लुक हियर, कुछ संज्ञा शब्दों के बहुवचन रूप दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। जैसे कि पुस्तक, पुस्तके, पौधा, पौधे, माता, माताएं। एक वचन यहाँ पर देखो, एक वचन दिया गया है और उसके बगल में क्या दिया है? बहुवचन। पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तके। पौधा का पौधे, माता का माताएं, बहन का बहिने, कन्या का कन्याएं, मेज का मेजे, गाड़ी का गाड़ियां, गमला का गमले, बहू का बहुए, कमरा का कमरे, रानी का रानियां, जूता जूते, कुर्सी कुर्सियां, बच्चा बच्चे, पंखा पंखे, नारी नारियां, कली कलियां, ठीक है।
तो ये क्या है, एक वचन से बहुवचन में बदलता है जब एक वचन और उसका बहुवचन रूप, ठीक है। यहाँ पर ये बहुवचन रूप दिया गया है, यहाँ पर भी ये बहु एक वचन दिया गया है उसका बहुवचन रूप देखो, खिड़की खिड़कियां, पुस्तक पुस्तकें, नदी नदियां, वस्तु वस्तुएं, टोपी टोपियां, गधा गधे, कपड़ा कपड़े, मेला मेले, सेना सेनाएं, साड़ी साड़ियां, रोटी रोटियां, सड़क सड़के, बिल्ली बिल्लियां, नदी नदियां, देवी देवियां, महिला महिलाएं, स्त्री स्त्रियां। आइरीन व्हाट हैपेंड? मैम ये तो लिखा है बहुवचन एकवचन, ये का गलत है, ये प्रिंट गलत हुआ है। यहाँ पर सब लिख लो, यहाँ एकवचन लिख लो, इसका एकवचन होगा और यहाँ होगा बहुवचन, ठीक है। ये प्रिंट गलत हुआ है, ओके, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ओके, राइट डाउन एवरीवन, ओके। मुझे यहाँ पर कुछ शब्द लिख कर दिखाओ, एटलीस्ट 10 शब्द लिख कर दिखाओ मुझे, कोई भी 10 शब्द, कोई भी 10 शब्द लिख कर दिखाओ मुझे, ठीक है। एक वचन और उसका बहुवचन, ठीक है, ओनली 10 वर्ड्स। At least write 10 words and show me. Write down in your copy. All of you take out your copy. एक वचन लिखो पहले, एक वचन लिखो heading में, एक वचन, फिर लिखो बहुवचन. Then just write, draw a line and then write. कोई भी 10 शब्द लिख कर दिखाओ मुझे. All of you write एक वचन और बहुवचन. कोई भी 10 शब्द लिख कर दिखाओ, जस्ट राइट एंड शो मी, ओके। रिक्त स्थान भरी, नंबर 1, डैश भौंक रहा है, यहाँ क्या होगा, कुत्ता भौंक रहा है, डू इट एवरीवन, मार्क इट, कुत्ता भौंक रहा है, क्योंकि यार क्या लिखा है, भौंक रहा है, इसीलिए क्या होगा, कुत्ता। नंबर 2, खेल रहे थे, लड़का या लड़के, क्या होगा, यहाँ रहे थे लिखा है ना, तो होगा लड़के, लड़के खेल रहे थे, यहाँ बहुवचन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। पहले में एक वचन का प्रयोग हुआ है, दूसरे में बहुवचन का। रजत ने 3 डैश खरीदी, क्या खरीदी, पुस्तकें, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा है, तो क्या होगा, बहुवचन, पुस्तकें। रजत ने 3 पुस्तकें खरीदी, ओके, वेरी गुड राजदी एंड आशना, वेरी गुड। Now see. Yes, ma'am. Now look at the bookwork. All of you look at the bookwork. Very good. Ma'am. Very good, Rajdi. See, look at the bookwork and do it. First one क्या होगा? Dash भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है. Dash खेल रहे थे, लड़के खेल रहे थे. Number 2, रजत ने 3 डैश खरीदी. रजत ने 3 पुस्तकें खरीदी, ओके। नाउ सी दिस वन, सही कथन के सामने टिक लगाइए। संतरा का बहुवचन क्या होगा, संतरों, संतरे या अनेक संतरे, संतरे, क्या होगा, संतरे। वचन से बोध होता है संख्या का, संज्ञा का या दोनों का, वचन से बोध होता है संख्या का। टोपियां हैं एक वचन, दिव्य वचन या बहुवचन, टोपियां है बहुवचन, ओके। क्वेश्चन आंसर आई विल सेंड यू लेटर ऑन, ओके। के वाला सब लिख कर रखना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं देखूंगी। निम्नलिखित शब्दों के वचन लिखिए, देवी, कीड़ा, कपड़े, टांगे, चूहे, चिड़िया, चश्मा, सभा। और यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए, लोटा, डिब्बा, जूता, ठीक है, तारा, प्याला, साड़ी। ये तुम लोग करके रखोगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं देखूंगी, दिस इज योर होमवर्क, ओके। ये सारी तुम्हारी होमवर्क है, घा और ड़ा, अंघा और अंगा, ठीक है, ये वाला तुम लोग घर में करके रखना, मुझे दिखाना नेक्स्ट क्लास। यस शिवागनी, हैव यू फिनिश्ड? Yes, ma'am. Very good, Shivangi. Very good.
ओके वेरी नाइस बना भैया, हैव यू फिनिश्ड? वेरी गुड बना भैया, वेरी गुड. सुमन हैव यू फिनिश्ड? देखिए मैम. वेरी गुड आया शिवांगी, आई सो वेरी गुड. ओके वेरी गुड.